मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान लाखों रुपए की आम क्रेत लूटी गई है। ये बात हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान अजिंदर ठकराल ने कही। इस दौरान ठकराल ने बताया कि वह तेलंगाना राज्य से सफेदा आम लेकर टोहाना में बेचने का कार्य करता है। हर बार की तरह इस बार भी 3 जून को उनका RJ37GB1367 नंबर ट्रक लाखों रुपए का आम, जिसमें 888 कैरेट अकराश फ्रूट कंपनी, 550 कैरेट जाखर संजय व्यापारी के आने थे। उन्होंने बताया कि 4 दिन चलने के बाद गाड़ी 7 जून को टोहाना पहुंचनी थी। 6 जून मंगलवार को जब उनकी गाड़ी बदनावर जिला धार स्थित एक ढाबे के पास पहुंची तो वहां चालक और उसका हेल्पर खाना खाने के लिए रुके, जिसके बाद वहां पर आई अचानक भीड़ ने ट्रक में रखने वाले आम के ट्रक से क्रेट लूट कर ले गए, जिसकी सूचना चालक ने पुलिस को दे दी है। राजेंद्र ठकराल ने बताया कि वह इस मामले की शिकायत टोहाना शहर पुलिस को देंगे। ठकराल ने बताया कि अभी उनको 2 और गाड़ियां वहां से चली हुई हैं। इस घटना के बाद उन्हें बाकी गाड़ियों का भी डर सताने लगा है। टोहाना से जाट टीवी न्यूज के लिए सुशील सिंगला की रिपोर्ट। विशेष करके तेलंगाना राज्य वरंगल जिला से सफेदे आम का काम करते हैं, वहां से 3 तारीख को हमारी गाड़ी निकली है जिसमें 888 कैरेट हमारी थी और 550 कैरेट संजय जाखल वाले की थी। ये गाड़ी 6 तारीख दोपहर 2 बजे बदनावर तहसील जिला धार में पहुंची है। वहां पे किसानों ने कर्ज माफी के लिए एक आंदोलन छेड़ा हुआ है। जैसे ही हमारे ड्राइवर को पता चला कि वो गाड़ी आगे अपना भीड़ ने जाम लगाया हुआ है, उसने गाड़ी को होटल पे रोक लिया, लेकिन भीड़ अनियंत्रित थी। भीड़ ने वहां जाके होटल पे गाड़ी के रस्से तिरपाल खोल के पूरी गाड़ी को लूट लिया है। उसमें सारी गाड़ी को लूट के वो लोग लेके चले गए। ड्राइवर ने उनकी वीडियो भी बनाई है, जो वीडियो ड्राइवर ने मेरे पास सेंड भी की है। मतलब